नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, खास करके देश के मुसलमानों पर। उन्होंने बताया है कि आज देश के मुसलमानों की क्या हालत हो गई है, क्या हाल है, कैसी स्थिति है। तमाम वारदातें, तमाम अफवाहें, तमाम देश में घट रहा है, देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर आखिर देश में चल क्या रहा है, ये सरकार बीजेपी की सरकार क्या चाह रही है, किस एजेंडे पर काम कर रही है, ये सारा उन्होंने बताया है। उन्होंने एक के बाद एक करके ये सारी चीजें हमारे सामने रखी है कि कैसे एक के बाद एक वारदात होती है, एक समुदाय के खिलाफ वारदात होती है, और कैसे षड्यंत्र रचा जाता है, कैसे देश के लोगों को बांटा जाता है, कैसे राजनीति की जाती है। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया बिजली का, कि आखिर जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली क्यों काटी जा रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि देश के 10 राज्यों में बिजली की कटौती हो रही है, और यह अचानक से नहीं हुआ। सरकारों को पता है कि आगे जाकर हमारे सामने ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, स्थिति पैदा हो सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इस पर पहले से काबू क्यों नहीं पाएगा। बहरहाल मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, और उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि आमतौर पर यह ख्याल रखा जाता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में कम से कम बिजली कटौती की जाए, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ये बिजली कटौती इतनी ज्यादा हो गई जिसके पीछे कोई कारण समझ नहीं आता। उन्होंने साफ कहा कि हम इतने सालों से ख्याल रखते थे कि आखिर बिजली कटौती कम से कम की जाए, लेकिन इस बार हद पार हो गई। रमजान के महीने में लोगों को सहूलियत दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिजली नहीं आ रही, 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही, तो ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि सहरी के वक्त जाना, इफ्तार के वक्त जाना और डेली ऐसा होना, क्या ये साजिश तो नहीं। और बात ये भी है कि जब दो दिन इसके खिलाफ आवाज उठाई गई तो ये सारी समस्याएं हल हो गई। अब बिजली की समस्या नहीं है, इसके पीछे कौन था, क्या ये सोची समझी साजिश है, सोचना चाहिए। इसके बाद वो मुद्दा उठाते हैं कि आखिर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी में दंगे होते हैं, दंगों के बाद दोनों समुदाय के नाम सामने आते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, जहांगीरपुरी में पहले दंगे होते हैं और उसके तुरंत बाद बुलडोजर की कार्रवाई। क्या देश में या फिर दिल्ली में केवल एक वही इलाका है जहां कार्रवाई की जाती है, जहां बुलडोजर चलाया जाता है, और कोई कॉलोनिया नहीं और कोई जगह नहीं जहां कब्जे ना हो, जहां अतिक्रमण ना हो। वो कहते हैं कि आज देश में मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि वो इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ कोई घटनाएं होती हैं या फिर ऐसे मामले होते हैं, चाहे ये मामला हो या फिर 2020 में दिल्ली दंगे हो। दंगे तो दोनों समुदाय के बीच होते हैं, लेकिन खासकर चर्चा एक समूह की जाती है, क्योंकि उस समुदाय के लोग ज्यादा पिसते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ ही बार बार ये वारदातें क्यों हो रही है। सरकार इसकी निंदा नहीं करती, और जब सरकारें इसकी निंदा नहीं करती, और ऐसे में उन लोगों को बढ़ावा मिलता है जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, उनसे सवाल किया जाता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, जिसमें वो साफ कहते हैं कि पाकिस्तान से मेरा कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान मेरा दोस्त नहीं है, मुझे अपने देश से लेना देना है, मेरे देश के क्या हालात हैं उनसे लेना देना है। इसके बाद वो कहते हैं कि राम मंदिर बना, 370 हटी, आप इस पर देखिए कि किसी मुसलमान ने किसी भी सड़क पर कोई आवाज उठाई, मुसलमान ने कहा कि आप मंदिर क्यों बना रहे हो, किसी मुसलमान ने कहा कि आप ये क्यों हटा रहे हो। कोई भी मुसलमान नहीं चाहता हंगामा करना, कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ हो। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, मंदिर बनेगा तो मंदिर बनेगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने फैसला दिया है तो मंदिर बनाएंगे, कोई भी मुसलमान इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। तो वहीं इसके बाद मुद्दा उठाया नवरात्र में, नवरात्र में आपने मीट की दुकानें बंद कर दी, आखिर वो लोग कहां जाएंगे जिनके ये कारोबार है। वो कहते हैं नवरात्र में आपने मीट की दुकान इसलिए बंद कर दी क्योंकि आप नवरात्र में मीट नहीं खाते, आप बहुमत में है तो आपने मीट की दुकानें बंद करा दी, अगर आपके नवरात्र हैं तो मैं इसमें क्या करूं, मुझे पालन करना चाहिए, मुझे आपकी सभ्यता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं मीट खाना बंद कर दूं, आप बहुमत हैं इसलिए। अब अगर रमजान का पाक महीना चल रहा है, कोई रोजेदार है वो फल फ्रूट बेचता है, आइसक्रीम बेचता है और लोगों को खिलाता है, वो रोजेदार है, वो ये नहीं कहता कि मेरा रोजा है आप भी मत खाइए, इसे कहते हैं बड़ा दिल।
इसे कहते हैं बराबरी। क्या आखिर हम भी आप लोगों में से हैं, हम भी आप लोगों के लिए हैं। इसके बाद वो मुद्दा उठाते हैं हनुमान चालीसा का, जो कि आजकल देश में बहुत चल रहा है, हनुमान चालीसा का, लाउड स्पीकर का। वो कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो करिए, इसको किसी से कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये साफ कहा कि कोई मेरे घर के आगे अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो करने दीजिए, अगर वो नारे लगाता है तो करने दीजिए, उसका हक है। लेकिन अगर आप मस्जिद के आगे ये सब करते हैं तो ये गलत है, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ऐसे देश में जो ये हालात चल रहे हैं, ये कैसे सुधारे जाने चाहिए देश में। उन्होंने साफ कहा कि कैसे आज एक तबका डरा हुआ है, क्योंकि उसके खिलाफ ऐसी कई वारदातें होती हैं, माहौल बिगड़ता है, यात्राएं निकलती हैं, तमाम संगठन हैं। अब जैसे आप पंजाब में देख लीजिए, अब वहाँ क्या चल रहा है, और पंजाब का मुद्दा भले ही अलग हो सकता है लेकिन मकसद तो एक ही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसो की ना सिर्फ निंदा की जाए बल्कि एक तबके को भरोसा दिलाना चाहिए। मुस्लिम तबका हो, कोई भी तबका हो, अगर उसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि आप भी हम ही में से हैं, हम और आप एक हैं। अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप एक तबके के नहीं, एक मजहब के नहीं, बल्कि सबके प्रधानमंत्री हैं, सब ने आपको चुना है। ये देश लोकतांत्रिक है और इस देश में तमाम समुदाय के लोग रहते हैं। वो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें सुरक्षित रखें और इस देश को कैसे बेहतर बनाएं। लेकिन ये आजकल कुछ और ही चल रहा है और उमर अब्दुल्ला ने इस पर साफ अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा है कि मुझे मोदी से नहीं बल्कि मुझे सरकार से उम्मीद है कि आखिर वो ऐसा करे जिससे देश बेहतरी के लिए काम करे, जिससे देश में कोई भी तबका डरे नहीं बल्कि तमाम तबके सारे मिलजुल कर रहे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनहित आवाज़।